वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के सामने। ये आपने काफी बार देखा होगा इस तरह के फॉल्ट्स, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा इसको रिपेयर करने की सही तकनीक। पहले देख लेते हैं वो फॉल्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है क्या। ऑन करके देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पर हमने अभी HDMI में वायर लगाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हम सिलेक्शन देख लेते हैं कि HDMI कौन सा सिलेक्टेड है। तो इस समय पे देखो हमने दो पोर्ट्स में इनपुट किया हुआ है, एक तो वीडियो 1 और एक है HDMI 2। तो हम पहले HDMI 2 कर लेंगे, ठीक है, और ओके दबाते हैं तो पिक्चर नहीं आ रही है, ठीक है। और एक चीज़ हम करते हैं कि AV में पिक्चर आ रही है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो हमने अभी इनपुट दे रखा है यहाँ पर और वीडियो 1 पे हम देख रहे हैं पिक्चर आ जाती है। सो फॉल्ट क्या है, HDMI में नो पिक्चर, AV में पिक्चर आ रही है, ओके। सो इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करेंगे हम देख लेते हैं इस वीडियो में। सो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट तक इस वीडियो में सस्पेंस बना रहेगा। कि हमने IC रिप्लेस कर दी और रिप्लेस की तो हमें ये मिली, एक्टिव घूम रहा है। आप लोगों को भी सतर्क होना चाहिए इसके लिए कि IC देखने में नई लगेगी लेकिन बिल्कुल ही यूज्ड प्रोडक्ट होगा और डिफेक्टिव माल होगा जो कि घिसा हुआ माल। देखो यहाँ पर आपको ब्राउनीज दिख रहा है जो घिसने से आता है, वो चीज़ मार्केट में मिलती है नई पैकिंग में, इस तरह की पैकिंग में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ये ख़राब निकली मेरी तो आपको भी आपकी भी ख़राब निकल सकती है। फिर हमने दोबारा से वही IC इसमें लगा दिए, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं ये जो इनपुट है उसके बाद प्रोसेसर में जो आउट हो रहे हैं ट्रैक्स उनके बीच में कॉइल्स लगी हुई है, उन्हें अब चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, 1 by 1, ओके। ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है, ये ओपन है, ओके। ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है और ये ओके है। तो मतलब ये वाली कॉइल की लास्ट जो पॉइंट है उसमें प्रॉब्लम है, ओके। तो इस कॉइल को हम रिप्लेस कर देते हैं और चेक करते हैं क्या एंड ऑफ द रिज़ल्ट हमारा जो वीडियो नहीं बन रहा था HDMI में से क्या वो बनने लगता है इसके बाद। और दूसरी वाली को भी ड्राई सोल्ड कर देंगे ताकि भविष्य में ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये हमने फिक्स कर दी है, अब सिर्फ देखना बाकी है कि क्या इसके बाद। इन सभी इनपुट में से क्या आउटपुट निकलेगा।
जो ये लास्ट वाली ख़राब थी उसी को चेक कर रहा हूँ पहले। कंटिन्यूटी ओके है, इसकी ओके है, इसकी ओके है, इसकी भी ओके है, ये ओके है, ये ओके है, ओके है, ये भी ओके है। ठीक है, तो ये बोर्ड पे अब पिक्चर आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देख लेते हैं। तो अभी हमने बोर्ड लगा दिया है और चेक करते हैं। इसमें हमने ये वाली कॉइल जो है रिप्लेस की, पास में से बता दें, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि क्या इसके बदलने के बाद हमारे कोई भी इनपुट में पिक्चर आती है या नहीं। अभी मैं इनपुट इसमें यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ दिखा दो। ओके, इस इनपुट में यूज़ कर रहा हूँ और हम देखेंगे कि क्या इस इनपुट में भी पिक्चर आ जाती है। ओके, अब देखो जिसमें मैंने डाला हुआ है वो एरो मार्क से हमें पता चल जाता है कि किसमें मैंने यूज़ किया हुआ है अभी वो पोर्ट। ठीक है, तो ये है, क्या इसमें पिक्चर आती है। चलो अब दूसरा हम ट्राई करते हैं, ये वाला इनपुट में डाल रहा हूँ मैं। ओके, और इनपुट सिलेक्ट कर रहे हैं और अभी जो है इसके अंदर है। ओके, और इसमें भी पिक्चर आ गई। अब हम देख रहे हैं लास्ट वाला, ठीक है, इस वाले में, और ठीक है लास्ट वाला 4 नंबर है और इसमें भी वीडियो आ गया, मतलब सभी HDMI वर्किंग है अभी। ओके,